ये देखो असली सबूत। क्या हो गया? ये है वीडियो। वाह मेरे शेर, क्या सबूत लाया है तू, यही तो चाहिए था यार। चल अभी कभी अपमान का बदला लेते हैं। और बता, वैसे तू ये सब क्यों करती है? धंधा नहीं करूंगी तो पेट की आग कैसे बुझाऊंगी? तेरा कोई पति माँ बाप? शादी नहीं हुई तो पति भी नहीं है, और बाप तो बचपन में ही मर गया था। माँ तो पराए मर्द के साथ भाग गई। अरे तो छोड़ ना, मेरी तो पुराने फिल्मों की तरह कहानी घिसी पिटी है। तू अपने बता। कुछ खास नहीं, पूरा का पूरा पन्ना खाली है क्योंकि अपने को लिखना ही नहीं आता, और ऊपर वाले के पास शायद टाइम नहीं था कि मेरी डायरी में कुछ लिखता। पैदा करके भूल गया वो, ना बाप का पता ना माँ का। अपनी भी कहानी तेरी तरह घिसी पिटी है। चल चलता हूँ। अरे रुक, फिर कब आएगा? क्यों? बातचीत अच्छी कर लेता है, अच्छा लगता है मुझे। वैसे भी यहाँ कौन है तेरे सिवा मुझसे बात करने के लिए? इधर कहाँ जा रही है रे? अबे सीटी क्या बजा रहा है और ये दांत क्या दिखा रहा है? अच्छा, आप उस चिकने को तो इतना कुछ दिखा सकती हैं, और मैं दांत भी नहीं दिखा सकता। जुबान संभाल के वरना मुंह तोड़ दूंगी तेरा। झाड़ी के पीछे तेरी बेरी के नीचे है कड़ लगा है लगा है लगा। तू मानेगा नहीं? देख मुझे पता है तेरा उस चिकने के साथ चक्कर चल रहा है, और यही बात मैं तेरे पति को बताने गया था, पर वो मुझे विश्वास ही नहीं किया। लेकिन अब मेरे पास कुछ ऐसा है कि वो क्या उसका बाप भी विश्वास करेगा। अच्छा, ऐसा क्या है तेरे पास? देख, झूठा लांछन लगाने का नहीं, समझा क्या? वरना पूरे बाजार में तेरा बारात निकलवाऊंगी, समझा क्या? अच्छा जी, सुनो तो, ये धमकी ना तुम्हारी बार बार नहीं चलेगी। क्या बोला था तुमने? सुअर, हाँ? पर अब मेरे पास कुछ ऐसा है, एक मिनट, लीजिए, देखिए, अब देखो मैं क्या करता हूँ, ठीक है जी? चलो बाय बाय। अरे सुन, बाय। तो मैंने एक दो बार यहाँ देखा है, वो औरतों की वीडियो बना के यहाँ वहां ताड़ता रहता है। जरूर उसने मेरा भी वीडियो बनाया होगा। तो उसने वो वीडियो अब तक तुम्हारे पति को क्यों नहीं दिखाई? यही तो मैं सोच रही हूँ। ब्लैकमेल करने का प्लान होगा। ब्लैकमेल? ये ब्लैकमेल क्या होता है? बदले में कुछ मांगना। पर उसे पता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। पर हाँ, मेरी शरीर के पीछे पड़ा है। अच्छा, एक काम करते हैं, सुरमेश को किसी भी तरह शहर भेज देते हैं, फिर उसके ना होने पर ये राजू को देखते हैं क्या करना है। अरे 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 अरे, रुकिए 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 रुकिए, आपसे एक बात करनी है। क्या? ये क्या घड़ी बेच रहे हो यार? इससे भी कमाल की चीज बताता हूँ, मोबाइल।
मैं शहर में एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ आपको नए मोबाइल पैक मोबाइल 1-2 हज़ार में मिल जाएंगे। उसे आप यहाँ 10 हज़ार से भी ज़्यादा में बेच सकते हो। क्या बात कर रहे हैं, 1000-2000 में मोबाइल मिल जाते हैं। देखिए किसी को बताना मत, की पत्नी को भी नहीं। क्या होता है वो मोबाइल चोरी के होते हैं। मैं जो जगह बताऊंगा ना वहाँ आपको मोबाइल मिल जाएंगे। और ये एरिया कोई शहर जैसा तो है नहीं, वहाँ के मोबाइल यहाँ बेचना कोई बड़ी बात नहीं है। सोचो आप 2000 का मोबाइल 10 हज़ार में। हाँ यार बात तो सही है, एक बार कोशिश करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। तू यार जो बात बताता ना वो बड़ी कमाल की होती है यार। एक काम करता हूँ आज ही निकल लेता हूँ। चल चल। हाँ वीडियो तो बनाया है मैंने, लेकिन एक शर्त पर डिलीट करूंगा, जब तू मेरी बाहों में आएगी। तेरी इतनी भी औकात नहीं है कि तू मुझे सपने में भी छू सके। तू सपने देखता है ना, तू देख, तू सपने में जो करता है तू कर, सपने भी किसी का जोड़ नहीं चलता, समझा। मैं तुझे यहाँ ये बताने आई हूँ कि हाँ मैं रोहन से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती मैं रोहन से। तेरे पास ये जो सबूत है, जो भी वीडियो है, तू जा, जाके दिखा दे सुरमेश को। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, समझे। वैसे भी मैं इस नरक में नहीं रहना चाहती, मैं इस रिश्ते के पिंजरे से बाहर निकलना चाहती हूँ, और मैं इस पिंजरे को तोड़कर बहुत जल्द चली जाऊंगी। मैं इस नरक जैसे रैन बसेरे में नहीं रह सकती, समझे। पागल हो क्या तुम? बेल को बोलकर आए हो कि आ बेल मुझे मार। हमने क्या सोचा था कि मोबाइल चुरा है और अगर हमारी वीडियो हो तो उसे डिलीट कर हम खुद को सेव करें। तुमने सब गड़बड़ कर दिया। मुझे जो समझ में आया मैंने वो किया। मुझे इस बस्ती के हर मर्द में सिर्फ वासना नजर आती है, यहाँ तक कि मेरा पति वो भी मुझे जुए में बेचना चाहता है। अगर मुझे किसी के छूने से प्यार महसूस हुआ तो वो सिर्फ तुम हो रोहन। मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया? तुम मुझे यहाँ से कहीं ले चलो, मुझे यहाँ से भगा ले चलो, कहीं भी जाऊंगी, बस मुझे यहाँ से आजाद कर दो रोहन, कर दोगे ना? बोलो ना रोहन, कर दोगे ना रोहन? रोहन मैं नहीं रह सकती। ठीक है मैं कुछ सोचता हूँ। और सुरमेश भाई कैसे हो? उस लोंडे के चक्कर में ना मेरा पहले से दिमाग खराब है, कुछ उल्टा सीधा मत बोलना तू। यार लगता है उसको भी पता चल गया है। कैसे पता लगा? अरे ग्राहकों को भी पता लग गया। हाँ यार मैं वही सोच रहा हूँ। जब हम तीनों को मालूम है तो फिर ये ग्राहक को पता कैसे चला? ने वीडियो सबको दिखा दिया क्या? अबे हाँ। है? कौन सा वीडियो? ठीक है उर्मी आई। अरे तुम आ जाओ। वैसे फिटिंग विटिंग बराबर है ना, दुकान वाले ने बोला था एक्सेल है।
तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, वैसे कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम दारू लग रही है। पूछने आया था, गौरव का आई कार्ड मिला क्या? गौरव का आई कार्ड? नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वो टाउन चला गया और मैं भी वापस जा रहा हूँ। क्या तुम भी वापस जा रहे हो? हाँ, क्योंकि काम खत्म हो गया ना। चाय पियोगे? वैसे आज तेरा घर घर लग रहा है। वो तो है, मैंने सब सही तरीके से किया है। अच्छा किया, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। वैसे तेरी चाय याद करूंगा। बस मेरी चाय को ही याद करोगे या फिर मुझे भी? मुझे नहीं याद करोगे? खाना खिलाया, बना दी, जिस थाली में खाना खाया उसे में छेद किया तूने? यार छेद के लिए छेद किया। बस बहुत हुआ, इसने जो किया उसमें मेरी भी मर्जी थी, इसीलिए बस। अब तू ना मेरी बीवी है, चल। और तू निकल यहां से, तुझे तो ना मैं बाद में देखता हूँ। क्या मतलब, किधर? मतलब अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम दोनों अलग रहेंगे। तुम जहाँ रखोगे, जो खिलाओगे, मैं वही खाऊंगी वही पीऊंगी। बस मुझे प्यार और इज्जत चाहिए रोहन। सोच क्या रहे हो? चलो। अरे एक प्रॉब्लम है, मैं पैसे की थैली तो घर पे ही भूल गई। वो तुम्हारी मेहनत की कमाई है, मैं तुम्हारी मेहनत की कमाई उस शरारी के लिए नहीं छोड़ के जाऊंगी, नहीं तो वो उसको भी उड़ा देगा। तुम एक काम करो, तुम यहाँ रुको, मैं पैसे की थैली लेकर आती हूँ, पकड़ो।
अरे क्या हुआ कांताबाई, क्यों इतनी खुश लग रही हो? कजरी वापस आ गई। कैसे? वो छोकरा भगा के ले गया था ना? हाँ। दूसरे बाजार में बेच दिया था, मुझे पता चलते ही मैं उसे ले आई। कहा था ना उर्मी, हमारे पास पंख भी हो जाएं, तभी भी हमारे पैर जंजीरों से बंधे रहते हैं। कौन था वो? कस्टमर था मेरा। क्यों? तुमने बंद कर दिया था ना? बंद करूंगी तो घर कैसे चलेगा, पेट कैसे पालूंगी? और एक बात, वे शौ में और ये सच्चाई, इससे अगर मैं कितना भी भाग लूं, लेकिन हकीकत से नहीं भाग सकते। पता है, कभी कभी सपने देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मुझे पर लगे हैं और मैं आसमान में उड़ रही हूँ, पर जब अचानक से सपना टूटता है तो एहसास होता है कि पैर अभी भी जमीन पर है। यही हकीकत है मेरी, बदल नहीं सकती इसे। वो सब मैं देख लूंगा, अब बस हम यहाँ से कहीं ऐसी जगह जाएंगे जहाँ हमें कोई जानता ना हो। उर्मी उर्मी, दरवाजा खोलो प्लीज। उर्मी उर्मी उर्मी, दरवाजा खोलो प्लीज उर्मी।